अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। एक बार कह चुका हूँ, बार बार नहीं कहूंगा। तुम उससे मिलने के लिए नहीं जाओगी। जिसे जो कहना है कहे, मैं तेरे साथ हूँ। मत डरो। मैंने भी सिमरन के साथ कड़क रुख अपनाया होता तो तुम भी उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आते अभिमन्यु। अभी अंकल डजंट ट्रस्ट मी, अब फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। व्हाट रबिश, ये तुम कह भी कैसे सकते हो? क्यों नहीं मिलूं मैं तुमसे? क्योंकि यही सही है, अब हालात बदल चुके हैं। सिद्धांत, सिद्धांत लिसन टू मी, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सिद्धांत, मेरे सामने देवता बनने की कोशिश मत करो कि अब मैं जेल में हूं, मेरे सर पर बड़े बड़े इल्जाम हैं और तुम्हारा प्यार एक फूल की तरह है जो एक हवा के झोंके में बिखर जाएगा, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ, है ना? आस्था, प्लीज प्लीज बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल? सारे मर्द एक सी ही बात करते हैं। पापा भी यही कह रहे थे कि इमोशनल होके मत सोचो। फिर तो सिद्धांत, सिद्धांत कोई इस दुनिया में प्यार ही नहीं कर पाएगा। आस्था पहले मेरी बात तो सुन लो, मैंने बहुत सोच समझ कर तुमसे ये कहा है, पर अभी अंकल ने भी यूं ही नहीं कह दिया। हमारा फ्यूचर सोचकर उन्हें कहना पड़ा। फ्यूचर किसने देखा है? आई एम रेडी टू वेट फॉर यू, और फिर कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद यू विल गेट जस्टिस। लेकिन किसी का विश्वास तो नहीं है ना मुझ पर? अभी अंकल डजंट ट्रस्ट मी। शादी मुझे करनी है तुमसे। लेकिन अपने माँ बाप को खोकर नहीं, तुम अपनी फैमिली को एक साथ खुश देखना चाहती थी, और अब मेरी वजह से तुम लोगों के बीच फासला हो, मैं ये नहीं चाहता। आस्था, तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे मेरे रिश्ते संभालने आते हैं सिद्धांत, और उसके लिए मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो डिसाइड मैं ही करूंगी। आस्था के बारे में सोचती हूँ तो बहुत दुख होता है बेटा। वहाँ तेरे पापा और विवेक भी बहुत फिक्र कर रहे हैं। अरे परेशानी की तो बात है मामा। सिमरन, आस्था को देखकर भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब वो समझते नहीं है तो फिर गुस्सा भी आता है। देख बेटा, ऐसी बातें गुस्से से नहीं सुलझाई जाती, जरा हिम्मत से काम ले। अरे क्या हिम्मत मामा, भवानी से मिला था मैं, मीडिया का आदमी है, दुनिया जहान की खबर रखता है, सारी रिपोर्ट सारे के सारे एविडेंसेस इस तरफ इशारा करते हैं कि सिड ने ये किया है, अब क्या सबूत चाहिए? और तेरा कहना सही है बेटा, लेकिन सिमरन और आस्था की हालत भी तो देख। वैसे इस बात की हैरानी मुझे भी है कि सिमरन अब भी कोर्ट के फैसले को क्यों नहीं मान रही है। हम लोग जानबूझ कर तो अपनी फूल सी बच्ची को ऐसे इंसान के साथ नहीं बांध सकते ना जहाँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। बेटा ये बात तुझे बड़े प्यार और आराम से सिमरन को समझानी होगी। देखो, यश बेटा, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। तुम जो कुछ कर रहे हो हॉस्पिटल के लिए, मगर बच्चा ये जो अटैक हुआ है तुम पर, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट इट। बेटा प्लीज जस्ट बी केयरफुल। ओके मैम। साक्षी, सिड के साथ जो हुआ है उसका बहुत अफसोस है हमें। आई रियली डोंट नो क्या होगा, लेकिन अब हमें हॉस्पिटल के बारे में सोचना चाहिए। क्या कर रहे हो तुम? साक्षी जानती हो, जब सिड यहाँ आया था शुरू से वो बस एक ही चीज चाहता था कि इस हॉस्पिटल में मुझे असिस्ट करे, और कितना साथ दिया उस बच्चे ने मेरा। एनीवे यश बेटा, उर्मिला ने कुछ
चिल्ड्रंस वार्ड के लिए रिक्वायरमेंट्स भेजी थी, उसकी डिलीवरी कब आ रही है? हेलो साक्षी, यश, तुम दोनों यहाँ ही हो ना? या डॉक्टर सिमरन। यश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही थी बेटा। मैम, वो सेकंड फ्लोर के वार्ड को पेंट कराने की ज़रूरत थी, मैंने आपसे बताया था ना? मैंने कुछ और पूछा है तुमसे बेटा? सॉरी मैम, मैं एक्चुअली रिपोर्ट पढ़ रहा था, लेकिन ये रिपोर्ट नहीं, मेडिसिन स्टॉक की फाइल है। इट्स ओके, कुछ और पूछना चाहते हैं मुझसे? नो मैम। ये क्या कर रहे थे तुम यश, डॉक्टर सिमरन के सामने? बचपन है ना, आई एम रियली वेरी अपसेट विद यू। देखिए देखिए, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ हर चीज़ का वक्त होता है, पर ये दिल है कि मानता नहीं, और डॉक्टर सिमरन को कहाँ कुछ पता चलने वाला है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अब सुनिए डॉक्टर साक्षी, एक बार कह दीजिए माफ कर दिया। यश, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा ना चले जाओ, प्लीज गो। अरे आपके हाथ में क्या हुआ है? क्या हुआ? ये हुआ है यश। थैंक यू। ये सिमरन का भी कुछ समझ में नहीं आता मुझे। हमेशा मैंने उस पर विश्वास किया है, लेकिन वो कभी कभी कुछ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर बैठती है। साहब, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, अगर मैं कुछ कहूंगा तो शायद किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप लोगों के इतने एहसान हैं मुझ पर कि कुछ बोले बगैर चैन नहीं पड़ेगा। दरअसल साहब, जब से ये लड़का आया है यश, तभी से सारी गड़बड़ शुरू हुई। सिद्धांत बाबा के साथ ही नहीं तो मेरे साथ, उर्मिला जी के साथ, तभी से ये गड़बड़ शुरू हुई है साहब। पहले ऐसा नहीं था शंकर, एक के बाद एक ही हादसा, और वो भी इस लड़के के आने के बाद। दाल में कुछ काला तो लगता है, तुम नजर रखो इस लड़के पर। पर साहब, वो मैडम उस पर बहुत भरोसा करती है। इसी बात की तो फिक्र है मुझे, लेकिन खैर, तुम शंकर वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। यश की हर हरकत पर नजर रखो, कहां जाता है, क्या करता है। सिमरन जो है उसे मैं समझा लूं जी। लेकिन तुम्हारे लिए तो मुश्किल होगा ना, 24 घंटे उसका पीछा करना। नौकरी करते हो तुम? नहीं साहब, दरअसल मैं कहीं नौकरी नहीं करता। अरे लेकिन तुमने तो कहा था कि ओह, तो सिमरन की जिद के आगे तुमने झूठ बोला था, तुम कहीं नौकरी नहीं करते हो? नहीं साहब, मैंने नौकरी ढूंढने की कोशिश नहीं की। जब तक हमारे अस्पताल में ये सारी धांधली कौन कर रहा है, कौन मैडम को परेशान कर रहा है, ये जब तक मैं पता नहीं लगा लेता साहब, मुझे चैन कैसे मिलेगा? मैं कैसे कोई नौकरी कर सकता हूं? शंकर, तुमने और सगना ने जो इस घर के लिए किया और जो कर रहे हो, ऐसा कोई करता नहीं है, वो भी आज के जमाने में, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के। स्वार्थ तो है साहब, इतना प्यार कौन देता है हम जैसे लोगों को। आस्था, आओ बेटा। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ आंटी। इसकी क्या जरूरत है बेटा? आपने नाश्ता किया? हाँ, वो सुबह। आंटी, क्यों झूठ बोलने की कोशिश कर रही हैं? मैं जानती हूँ सिद्धांत के बिना ना आपने खाना बनाया होगा और ना ही खाएंगी।
मैं खाना लगा दूं? डोंट वरी। वरी की बात नहीं है आंटी, मैं आपको खाना खिलाए बिना जाऊंगी ही नहीं। तुम बिल्कुल सिमरन हो, हैरानी होती है इतने साल उससे दूर रहकर भी सिमरन की सारी क्वालिटीज है तुम में। मामा का 5% भी नहीं हूं मैं आंटी। एनीवेज आंटी, मामा ने कहा है और मैं भी चाहती हूँ कि आप हमारे साथ आकर रहिए, बल्कि मैं आपको साथ लेने आई हूँ। यहाँ अकेले में और भी ज़्यादा अकेलापन महसूस करेंगी आप। मैं यही ठीक हुआ आस्था। आंटी सिद्धांत को भी तसल्ली रहेगी और हम सबके साथ आप भी बेटर फील करेंगी, वरना यहाँ आस्था कुछ दर्द बांटने से भी कम नहीं होते, अकेले ही सहने पड़ते। तुम नहीं समझोगे और फिर कोई भी जरूरत हुई तो तुम लोगों के पास ही आऊंगी ना, सिमरन के अलावा और कौन है मेरा। सिद्धांत से मिलने गई थी मैं, उसे प्रॉमिस करके आई हूँ कि आपका ख्याल रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो वापस आकर मुझ पर नाराज हो। ऐसा कुछ नहीं होगा आस्था, बुरा मत मानना, लेकिन सिट से तुम्हारा मिलना ठीक नहीं है, एटलीस्ट फॉर सम टाइम। रीजन पूछ सकती हूँ मैं? तुम समझती हो बेटा, मैं नहीं चाहती कि सिट की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स के रिलेशनशिप पर कोई असर पड़े। बहुत सालों बाद उन दोनों को एक दूसरे का साथ मिला है। प्लीज बेटा, सिमरन की परेशानियों को और मत बढ़ाओ। मुझे भी मम्मा पापा की फिक्र है आंटी, बट सर आप सब ऐसा सोचते हैं, कोई सिद्धांत के बारे में क्यों नहीं सोचता, मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझता? मम्मा ने भी तो सब प्रॉब्लम्स के बावजूद पापा को ही सपोर्ट किया था ना, तो मेरे सिद्धांत से मिलने पर सबको क्यों ऐतराज है? ऐसा नहीं है बेटा, भाई साहब अभिमन्यु जैसे रिएक्ट करता है, उसका गुस्सा, उसका बात करने का तरीका, वो सब आप जानते ही हैं, लेकिन अभी और सिमरन के बीच जो टेंशन है उसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हैं। देखिए आप सिमरन को समझाइए कि अभी जो कुछ भी कह रहा है वो आस्था की भलाई के लिए ही कह रहा है, आखिर हमारी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। देखिए बहन जी, आपकी बात से इनकार नहीं है मुझे, लेकिन माफी चाहता हूँ, अभिमन्यु की बजाय मुझे सिमरन की सोच पर, उसके फैसले पर ज्यादा यकीन है। गलतियां कौन नहीं करता है जिंदगी में, लेकिन बड़े होने के नाते, समझदार होने के नाते हमें बच्चों को माफ भी करना पड़ता है। देखिए सिट की गलती कोई मामूली गलती नहीं है बहन जी, अभिमन्यु ने कितनी बार धोखा दिया है सिमरन को, तो क्या सिमरन छोड़कर चली गई उसे? अपने बाप के खिलाफ हो गई वो, लेकिन हर बार अभिमन्यु की गलतियां तो माफ करती आई आई ना वो। ठीक है तो मैं चलती हूं। सिमरन से मैं बाद में फोन पे बात कर लूंगी। जी आर्टिकल पे काम कर रहा हूं अंदर। नमस्ते भाभी। नमस्ते, आइए प्लीज। थैंक यू सो मच। आज यहाँ कैसे? यही पास में एक मीटिंग थी, मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, यहाँ तक आ गया था, सोचा आपसे भी मिलता चलो। अच्छा किया। और बताइए कैसी हैं आप?
आई एम फाइन थैंक यू। गुरु घर पर ही है? नहीं, उन्हें किसी पब्लिशर के साथ मीटिंग पर जाना था, वहीं होंगे। ओह, और आस्था, आस्था कैसी? आस्था फाइन। सिद्धांत के मामले में मीडिया को कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट लगता है, अब लोगों को कह भी क्या सकते हैं। आपके साथ उसका फैमिली रिलेशन है, इसलिए सभी की नजर है उस पर। आस्था, आस्था की चिंता हम सभी को है, इसीलिए कह रहा हूं कि इन हालात में आस्था का सिद्ध से मिलना ठीक नहीं है। हम ठहरे लड़की वाले, बेटी का मामला है, बेकार में बदनामी हो जाएगी, तो मतलब आस्था मेरी बेटी जैसी है, इसीलिए कह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आस्था तो बच्ची ठहरी, उसे सब इन बातों का क्या पता। उसके फ्यूचर के बारे में तो आप दोनों को ही डिसाइड करना होगा ना। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न भवानी जी, मगर प्लीज ये हमारे घर का मामला है। अभी अभी आपने कहा ना कि आस्था के फ्यूचर के बारे में हमें ही सोचना चाहिए, तो प्लीज हमें ही सोचने दीजिए। I'm sorry. आपके घरेलू मामलों में दखलंदाजी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं खुद को इस परिवार का हिस्सा मानता हूं। आस्था के लिए मेरे मन में, आस्था मेरी बच्ची है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे ज्यादा उसे कौन समझ सकता है। उसके अच्छे बुरे का ख्याल है मुझे भवानी जी। ठीक है, मैं चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। देर हो गई आज? अभी भवानी से ये सब कहने की क्या जरूरत थी? भवानी, तुमने भवानी से बात की? बात नहीं की अभी, तुम्हारी तरह समझाने की कोशिश कर रहा था मुझे कि सिड का आस्था से मिलना ठीक नहीं होगा हमारी बच्ची के लिए। वाय, अभी भवानी से हमारे पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने की क्या जरूरत है? So what's wrong in it? अभी घर की बातें। अरे तो क्या हो गया? घर की बातें किसी बाहर वाले से तो डिस्कस नहीं की ना? भवानी इज अ फैमिली फ्रेंड। आई एग्री विद यू, मैं नहीं डिनाई करती कि वो हमारा फैमिली फ्रेंड है, लेकिन वो फैमिली मेंबर नहीं है। अरे अजीब बात करती हो तुम, ये वही भवानी है जिसने की जगह जगह पे कितनी मदद की हम लोगों की। He has been a well wisher. तो आस्था की प्रॉब्लम्स, हम दोनों के बीच में जो चल रहा है वो सब डिस्कस करोगे उसके साथ? अरे हद हो गई सिमरन, तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, मेरे स्टैंड से तुम खुश नहीं हो, तो मेरे दोस्त भी तुम्हें अच्छे नहीं लगते। इस वक्त अभी हर इंसान जो सिर्फ को क्रिमिनल मानेगा और आस्था को उससे दूर रखेगा मुझे बुरा लगेगा। अरे मेरी भी बेटी, वो दुश्मन नहीं हूँ उसका मैं। Stop it! बस कीजिए आप दोनों। माई पर्सनल लाइफ, लेकिन आप सबने उसका तमाशा बना दिया है। प्लीज मामा, बहुत हो गया, मुझे लेकर इस तरह झगड़ने की जरूरत नहीं है। I'm not a kid anymore. कि मेरी हर छोटी बड़ी बात आप सब डिसाइड करें। Please, for God's sake, just leave me alone.